के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से जेएमएम को हटा भी दिया, तो ये बड़ी खबर है। एक्सपोज थे उन्होंने जेएमएम यानी जो उनकी अपनी पहचान उनकी पार्टी थी अब तक, उसको अब अपने एक्सपोज से हटा दिया। आप देखिए केवल नाम लिखा हुआ है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड, यहां कहीं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र नहीं है, पहले ये था। अब उन्होंने अपने एक्सपोज पे जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर उसके नीचे जो उनका पार्टी की बात थी, पार्टी का नाम था, वो उन्होंने हटा दिया। केवल लिखा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड। ये चंपाई सोरेन का आप देख रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है एक्सपोज पर, उनकी उनका ये पेज है और इस पे जेएमएम गायब है। वहीं चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए खलबली मचा दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे, एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। उनके इस ट्वीट के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिल गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित झामुमो के कई अन्य विधायकों के भी बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं जो न केवल समाज बल्कि घर परिवार और पार्टी तोड़ने में लगे रहे। तो जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा, यही काम में लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा ना ध्यान भटकेगा, अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब। और ये जो इनके षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी एक दो महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले। उधर बड़ी खबर, चंपाई सोरेन के पैतृक गांव मेहुलडी से वहां जेएमएम के झंडे ही हटा लिए गए। मेहुलडी के जेएमएम कार्यालय और बाजार से भी जेएमएम के झंडे नदारद हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर में झिल्लीगोड़ा गांव के घर से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे गांव से जेएमएम के झंडे हटा दिए गए। तो ये आपको बता दें कि जिस तरह से चंपाई सोरेन नाराज हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बाकायदा इसका जिक्र भी उन्होंने अपने एक्सपोज पे किया है। उसके बाद जो गांव है वहां से जेएमएम के झंडे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक जगह से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे हैं उन्हें हटा दिया गया है। और चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि चंपाई सोरेन को अपनी बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखने से पहले संगठन के सामने रखनी चाहिए थी। माननीय चंपाई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि यह कहीं से कोई गलत बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी। तो एक तरफ चंपाई सोरेन दिल्ली में है तो दूसरी तरफ जेएमएम के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि जेएमएम के 5 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सभी एमएलए चंपाई सोरेन के साथ ही हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, एक तरफ नाराज दिख रहे हैं चंपाई सोरेन, उन्होंने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची ये कहते हुए ट्वीट किया है, और दूसरी तरफ 5 एमएलए जो है उनके फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं, यानी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सूत्र के हवाले से खबर है कि ये सभी एमएलए सभी विधायक चंपाई सोरेन के साथ ही हैं।